Welcome back to Glam Up, तो आज लोग हम करने जा रहे हैं मिसरोस वन ब्रांड मेकअप रिव्यू वीडियो लास्ट में मैंने क्रिस्टीन की वन ब्रांड मेकअप प्रोडक्ट्स की जो वीडियो की थी आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की है और कॉमेंट्स भी बहुत ज्यादा आए थे कि आप और भी ब्रांड्स की मेकअप वीडियो करें तो यहाँ पे मैं फुल ब्रांड के इसलिए लिए हैं यहाँ मेरे पास सिर्फ चार प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने कहा कि मैं चारों ही आपके साथ शेयर कर दूँ इसमें से मैंने सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय किए हैं मैंने खुद कोई भी प्रोडक्ट स्टोर से नहीं लिया यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास बहुत ही अच्छी न्यूड मिसरोज़ की पैलेट है आप देख सकते हैं कि पहले भी कॉपी इसकी है ये कॉपी है मिसरोज़ और इसकी ओरिजिनल जो आती है वो हुदा ब्यूटी की आती है इसमें प्राइसेस का बहुत फ़र्क है वो बारह हज़ार की है और ये ट्वेल्व हंड्रेड की है तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस कितना आएगा कलर्स में भी कलर्स की पिगमेंटेशन में ज़्यादा डिफरेंस है और जो कलर की पैकेजिंग वगैरह है वो सब इन लोगों ने सेम की है हदा ब्यूटी जैसी बस यहाँ पे हुदा ब्यूटी के बजाय मिस रोज लिखा हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा इसकी अनबॉक्सिंग मैंने लास्ट व्लॉग में की थी अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देख लें तो यहाँ पे मैं जो रिव्यू करने जा रही हूँ इसकी पहले तो पिगमेंटेशन बहुत ही बहुत ही कम है मतलब जो लास्ट वाली फेस हेट की जो पूरी पैलेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इससे लेकिन उसमें ऐसे शेड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है मतलब पिंक कलर पीच कलर लाइट पिंक और डार्क ब्राउन इस टाइप के कलर उसमें नहीं है इतने ज़्यादा लेकिन इसकी पिगमेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपको इसको बहुत ज़्यादा लगाना होगा और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अप्लाई करने के बाद फिर ये कलर देगी और वो एक दफ़ा लगाने में ही आपको बहुत अच्छा कलर देगी तो मैं ये रिकमेंड करूँगी भी और नहीं भी करूँगी अगर आपके पास पिंक शेड आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मेबलिन की ले लें और इसकी ना लें और अगर इसकी लेना चाह रहे हैं अगर क्योंकि ये अफोर्डेबल है तो इसकी पिगमेंटेशन इतनी कोई अच्छी नहीं है लेकिन इसकी जो ग्लिटर शेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसमें एक इसमें एक कंसीलर का शेड दिया हुआ है और बाकी सारे इसमें कोई मार्बल शेड है मतलब डबल शेड जो ऐड होते हैं वो वाले हैं और सिंगल सिंगल भी बहुत सारे शेड हैं तो इसके जो ग्लीटर शेड है वो प्रेस ग्लीटर है मतलब विदाउट ग्लू अप्लाई हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो मिस रोज़ की मेरे पास अलग से फुल पैलेट है yes <laughs> जो ग्लीटर्स की है और इसमें भी इन लोगों ने तीन दिए हैं ये कलर उसमें बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेंगे तो यहाँ पे जो टेडी शेड है इसका ये बहुत ज़्यादा अच्छे मैंने इसमें से बहुत कम कलर यूज़ किए हैं आपको पता लग रहा होगा कि मैंने इसमें से कौन कौन से कलर्स यूज़ किए हैं अगर आप लोगों को ऐसे पैलेट्स पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए और रिव्यू कर सकूँ पैलेट्स का तो यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट कंसीलर आपको दिया जाएगा अगर आप इस कंसीलर की हिफाजत नहीं करेंगे ना तो ये ख़राब हो सकता है क्योंकि बाकी सारे तो शेड है जो आई शेड में यूज़ होंगे लेकिन ये कंसीलर बिफोर यूज़ होता है और इस पर अगर मतलब डस्ट वग़ैरह लगे अगर इसका पेपर जो है वो अगर आप यूज़ ना करें और इस पर डस्ट वगैरह लगे तो ये आपको बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा ये क्रीम कंसीलर है बिल्कुल लिक्विड नहीं है और पाउडर फॉर्म में भी नहीं है तो ये क्रीम कंसीलर है मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है ओके ओके अब मैं सारे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ मैं इसके जो स्वच में कर रही हूँ यहाँ पे आपको ग्लिटर तो इसी तरह मैं आपको अप्लाई करके दिखा सकती हूँ टैब ऑन करके और उसके अलावा जो इसके बाकी आई शेड जो सिंगल सिंगल हैं उसका भी मैंने आपको स्वेचेस दे दिए हैं मैं यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर दूँगी ताकि अगर आपको इसमें सही नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप पिक्चर में चेक कर लें उसके अलावा ओवरऑल इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है पहले इसकी पैकेजिंग मतलब एक कार्डबोर्ड इसके तरीके में होती है उसके बाद इसको अच्छी तरह पैकेजिंग है और इसमें फ़ुल मिरर भी अटैच है तो इतनी कोई मतलब बुरी नहीं है बारह सौ में बहुत ज़्यादा अच्छी है टोटल इसकी हंड्रेड थी और आपकी अगर शिपिंग चार्जेस लगे तो वो टू हंड्रेड समथिंग लगेंगे तो ओवरऑल ये ओके okay, ओके okay, मतलब अफोर्डेबल भी है और काम चल जाता है लेकिन मैं इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा समझ रही थी लेकिन इतनी इसकी पिगमेंटेशन नहीं निकली तो ये आप लोग ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते ठीक है तो सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास जो है रोज का लिक्विड कंसीलर है लिक्विड कंसीलर की जो यहाँ पे प्राइस है ये फोर था फोर हंड्रेड है और आपको कहीं से फाइव हंड्रेड का भी मिलेगा लेकिन मैंने इसको सेल में से बाय किया था तो आप लोगों ने वो भी दराज़ की वीडियो देखी होगी तो उसमें मुझे ये टू समथिंग का हाँ तो उसके अलावा मैं अगर फेस सेट का और मिसरोज का कंसीलर की बात करूँ तो दोनों में से कौन सा अच्छा है तो कन, कंसिस्टेंसी में दोनों सेम है पिगमेंटेशन अगर मतलब हाई कवरेज कहा जाए इसे तो ये बिल्कुल भी हाई कवरेज नहीं है मतलब नॉर्मल ही अगर आप इसको फ़ाउंडेशन के बाद अप्लाई करें तो ठीक है अगर आप मॉइस्चराइजर लगा के सिर्फ कंसीलर अप्लाई करें तो इतना इतना कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा अच्छा कंसीलर है कवरेज इसकी ज़्यादा तब है जब आप फ़ाउंडेशन लगाने के बाद अप्लाई करें अगर बगैर फ़ाउंडेशन के आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये आपको बहुत केकी सा लुक देगा और मतलब कवरेज नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा इसे रिमूव नहीं होंगे तो मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग पैसे यूज़ कर रहे हैं तो आप फेस सेट का भी ले लें वो ज़्यादा इससे कम प्राइस में है और ये मिसरोज़ का भी ठीक है तो आपकी मर्ज़ी आप इन दोनों में से कौन सा लें तो मैंने रिव्यू कर दिया उसके बाद जो मेरे पास ग्लिटर पैलेट है इनकी ग्लिटर पैलेट का शेड जो है मेरे पास ज़ीरो टू है और ये ग्लिटर पैलेट इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है प्रेस ग्लिटर है इसमें आपको ग्लू यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मैंने एक और वीडियो में इसकी पूरी पैकेजिंग और ओवरऑल की बात की थी ग्लिटर्स वीडियो में उसमें भी जाके आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मतलब ओके ओके इसकी ग्लिटर ज़्यादा अच्छे इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है न्यूड जो पैलेट थी उसकी पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी थी और उसके कलर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कलर्स है तकरीबन यहाँ पे आपको 14 कलर मिलेंगे होप्सो so. और यहाँ पे आपको आपकी चॉइस है कि आप शेड्स कौन से लें तो ज़ीरो वन भी है इस पैलेट का और ज़ीरो टू भी है तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो टू ली थी यहाँ पे ग्रीन ग्लिटर सिल्वर सब है इसके जो ग्लिटर हैं वो उसी की तरह है सेम है लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ये वाली ले सकते हैं और अगर आपको कम चाहिए तो ले सकते हैं मैं यहाँ पे आपको स्वच्छी सिखा रही हूँ कि कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे नहीं हैं तो मैंने कोई भी फाइव कलर लिए हैं अपनी मर्ज़ी से और मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ कि कितने अच्छी तरीके तो जो इसकी पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है मैंने इसको शादी के सीज़न में मतलब सारे के सारे इवेंट्स में इसको यूज़ किया था और बहुत ही अच्छा अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी पसंद का शेड नहीं है तो आप ग्लिटर लगा लें और उसके ऊपर अपनी पसंद का शेड लगा लें मतलब सिमिलर हो मतलब ऐसा भी नहीं ब्राउन ग्लीटर के ऊपर पिंक शेड लगा लें तो ऐसा देगा ब्राउन हो और थोड़ा सा चेंज चाहिए मतलब सिमिलर हो आपके ड्रेस से और बाकी अच्छा लग रहा है और इसमें बिल्कुल कंट्रास्ट का नहीं है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे ना शेड तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम में और इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और ये बहुत टाइम तक रहता भी है मतलब अगर आप इसको शाम की मतलब रात की शादी में जाए और अगर आप छह बजे तैयार होना शुरू हो मैं बजे से लग, मैंने इसको पांच बजे लगाया था और मैंने रात के तीन बजे उतारा था इसको इसका ग्लीटर वैसे का वैसा ही था और बिल्कुल भी हिला नहीं था अपनी जगह से और बल्कि आप इसको रिमूव करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा लेकिन आपको आई पहले अप्लाई करना है क्योंकि कुछ इसके ग्लीटर के चंक्स आपके फेस पर भी रह जाएंगे और रिमूव करने के बाद भी लगेगा कि आपने ग्लिटर यूज किया है उसका तो कोई मसला नहीं है लेकिन इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और इसको अप्लाई करने के बाद कुछ लोग इसको अप्लाई करने के बाद तीस लाइन बन जाती है या नहीं इसको अप्लाई करने के बाद अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा लेयर्स अप्लाई करेंगे तो वो ठीक रहेगी बिल्कुल लाइट अप्लाई करके आप इसको टाइटली टैब ऑन करेंगे ना तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी तो इस तरह नहीं करना तो उसके बाद जो हम लोगों के पास है फेस सेट का मिस्ट एंड मिक्स है ये सेटिंग स्प्रे भी और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है इसको बगैर मेकअप के मतलब टोनर की जगह अप्लाई करते हैं बिफोर मेकअप तो मैंने इसको बिफोर मेकअप नहीं अप्लाई किया मैंने सिर्फ सीरम और प्राइमर यूज़ किया था मेकअप मतलब फाउंडेशन से पहले और मैंने इसको बाद में अप्लाई किया है तो इसको मैंने जो अप्लाई किया मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मैं सिर्फ एक यूज़ करती हूँ लॉरियल पेरिस का वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है मैं उसका भी रिव्यू जल्दी करूँगी आप लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे उससे अच्छे सेटिंग्स पर अभी तक नहीं मिला मैंने कहा कि मिस रोज की सब बहुत ज़्यादा तारीफ कर दे तो मैं भी चेक कर लूँ लेकिन ये बहुत कोई ज़्यादा बुरा है क्योंकि मैंने इसको अप्लाई किया तो थोड़ी देर बाद दो तीन घंटे बाद ये अगर आपका हाथ अपने फेस से टच हो ना तो ये जैसे कोई अगर मतलब कोकोनट गिर रहा हो इस तरह इस तरीके से आपके फेस पे से भुरना शुरू हो जाता है और ये बहुत कोई बुरा है और आपका फ़ेस बिल्कुल अकड़ जाता है कि जैसे मतलब कोई आपने मास्क लगा लिया और मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं किया हो इस तरीके से आपका फ़ेस अकड़ जाएगा और ये बिल्कुल और है ना जो लॉरियल पेरिस का जो मैं उसको अप्लाई करती हूँ उसके बाद आपका जो मेकअप है मतलब सेटिंग आपका हाइलाइटर और फाउंडेशन सब बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाते हैं लेकिन इसके बाद बिल्कुल भी ऐसा कुछ लुक नहीं आया था और आपका फ़ेस बहुत ज़्यादा टाइट टाइट आपको फ़ील होगा ड्राई ड्राई भी बहुत फ़ील होगा तो मैं कहती हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी ना लें बिल्कुल बिल्कुल भी ना लें मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी तो अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आए हों और मेरी वीडियोज़ पसंद आई हों तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कॉमेंट करें कि वन ब्रांड के मेकअप आपको मतलब वन ब्रांड मेकअप की वीडियो कितनी चाहिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू